कमलेश्वर भाई साहब बैठक रहने वाले ये सामने बैठे हुए हैं, ये जनता से हाथ जोड़ निवेदन खुद कर रहे हैं, भैया हम लोग बैठ जाए और कहानी पे गौर करें कि कहानी किस मोड़ पे पहुंच रही है। ये हमारे कमलेश्वर भाई साहब का आदेश है। जो भाई लोग इधर उधर खड़े हैं कृपया बैठ जाए और ये 11 रुपया पुरस्कार हमारे महारानी के लिए देते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। मेरी चंपा पहनेगी। अरे महाराज जल्दी ख्याल दे, हम साल भर 12 बच्चा दिया। अरे ठीक है, परिवार तो हमें चाहिए महाराज। अरे सब कुछ तो सुने ठीक ठाक, लेकिन काय कुकुरिया है तो 12 साल बता। See you.
रहने वाले हैं, ये उनकी तरफ से 20 रुपए पुरस्कार है। सिंह को बढ़कर पार्टी की तरफ धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर करें कि महाराज महारानी के साथ क्या करते हैं। इधर ये बेही हुई है और ये चप्पा, ये दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों, कहानी पे गौर करते हैं। हाँ, इसी बात पर आ गए हमारे भैया आदिल जसवंत खेड़ा मेला कमेटी की तरफ से। ये 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन अनिल भैया का कहना है कि वस्त्र शरीर भर के मत पारो। धन्यवाद। धन्यवाद। इधर आ रहे महारानी जी।
अब तो महारानी हो गई। आई एम महारानी चंपा। हाँ, वो तो है। एक एक लोग कहा जाए, कहा राजा गोद, कहा गंगू देवी। आप तुम यहाँ महारानी हो गई। हाँ, अब तुम जौन को हो हम वह कर रहा। क्या मैं कहूँ, चल मेरे पैर दो। हाँ, पैर दबो ना, तब वो बच्चे ले जा कर। हाथ पार दबा रहे हैं, हमार ने कहा कैसे चली गया हाथ कहूं पर है। तो अगर तुमने जरा सी बदतमीजी की तो ऐसी जगह मारूं, ऐसी गोली मारूं, अभी नहीं सुबह बताऊं। सवेरे गिल्ली घामों ले यह जान ली हो तुम, क्या नहीं मालूम रात का खत्म। मैं महारानी जरा दूजे की सर। और चलो गेट पे लग जा, अब अच्छी तरह अच्छी ड्यूटी देना। मैं महारानी कमला नहीं, मेरा नाम महारानी चंपा है। महारानी चंपा जी, क्या हम देखी तो रैदास खा गए। रैदास ने तू तो चमार खा गया। हैदास बोलते हैं। द्वार पार क्या ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो हम ही करब तुम्हारा। ये मुझ मुंडा ना करिए। चलो गेट पे लग जाओ और मैं काम करने जा रही हूँ। हाँ मास्टर। और कहते हैं कि न मई हाथ जरा मर बसम की बोरिया न जरा करते हैं। अब हम आप लोगों को ले चलते कहां, शेठ केसरी के पास। शेठ केसरी की एक मकान है और इसी मकान में इनकी दुकान है। देखिए हमारे शेठ केसरी लाल आते हैं और अपने नौकरों से क्या बातें करते हैं, कहानी पे गौर करते हैं। साले सत्तू कहे, सत्तू नहीं सत्थू, सत्थू। शेर जी कहा करे। अच्छा शेर जी, शेर जी। राम राम। राम राम। ये बता जी कि दुकान का समाचार सब ठीक है? बैठा तो बताए सत्थू। इंतजाम करो।
सट्ठू उठो तो पता है सट्ठू बताओ सट्ठू बैठो तो पता है सट्ठू चलो बताओ सट्ठू उठो तो पता है सट्ठू सट्ठू बैठो तो पता है बंदर के बच्चे हमें थाले उठा बैठी लगवा रहे हैं। देखो पहले बात सुनो तुम दही बड़ा ज्यादा खात क्यों दही बड़ा खात और दिन भर दुकान में बैठे रह तो वहाँ पेट निकल चला हुआ तो हम सोचे सेठू को बने उठा बैठी लगवा दे तो पेट ना निकल रहे। अबे नारायण मेरे पेट से तुमसे कौन से पेट हमारा है निकलता हो या बैठता भैया तो एक ही पे निकलता है इतनी नीची न करो सट्ठू किस चीज में घट्टो किस चीज मुनफो यही तो पूछ रहे हैं। लोन में घट्टो है नमक मुनफो पगले नमक और लोन में क्या नमक लोन में अंतर है नहीं नमक आवत है पैसा लोन आवत खड़ा खड़ा वाले में घाटा रहा अच्छा और पैसा वाले मुनफो मुनफो वो एक किलो की जो पैकेट आती है उसमें 800 ग्राम रहता है वो एक किलो के पैसे देकर एक किलो पैसा दिया असट्ठो डाली में घट्टो सुपारी में मुनफो डाली में घट्टो और सुपारी में मुनफो अरे डाली और सुपारी एक ही बात तो हुई है कैसे एक बात है सुपारी से मुझे फर्क है नहीं सुपारी आवत खड़ी और डली आवत कटी मसालन मधोरन में ठीक है फायदे वाली चीजें खरीदते रहना और घाटे वाली बंद कर देना सट्ठू एक चीज में मुनफो मुनफो वो क्या कौन सी चीज है कुकरौंधा ये किस काम में आता है ठंडी में यहाँ मेहरबान के लड़का बहुत हुआ था अच्छा जो उन्हें गाँव देखो वही लंबू ले लें से जा रहे हैं यानी कि तुम इंक्वायरी करते रहते वाली बात पहले बच्चों की तुम इंक्वायरी करते हैं अरे बात सुनो तो जब लड़का पैदा हुआ तो कोनो डबल नोनिया कोनो जब मोगा पकड़ लिया तो कुकरौंधा पियावा जा अच्छा यानी डबल क्या बताए नोनिया और जमुआगा में ये कुकरौंधा पियाएगा हमको बेवकूफ बना रहे और ये बच्चों के वो जो झुंडा लगता है टट्टी में उसके लगाया जाता है साले जानते नहीं तो क्या बात करते हो लेकिन वो जो 100 बीघे की बाग मैंने खरीदा था उसमें चंदन के पेड़ थे अब पता चल रहा है कि लोग काटे लिए जा रहे हैं काटा तो नहीं हम तुम तो ही नहीं नहीं रहते हैं लेकिन उसको देखने कभी जाते हो अब हम क्या रखा जाए जब तुम खुदा नहीं जाते हम तो उधर जाए जंगल की तरफ चलते हैं देख रहे तो कि कितने पेड़ बचे हुए हैं या बात सही कहो या बात तुम आज सही कहो एक महीने दुकान में बैठे बैठे जो है वो भी गवा अरे चल मेरे साथ दुनिया की बात जंगल की तरफ चल देते हैं और उधर वही महारानी कमला आज दर दर की ठोकरें खाती और बियावान जंगल में पहुंचती है और क्या सोचती है गौर कीजिए और बनते पर चल सताना मेरी किस्मत मुझे
मैं क्या करूं, मेरा कोई स्त्री में नहीं है, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, इस जिंदगी से बेहतर मर जाना ही अच्छा है, सब कुछ मेरा छूट गया, कुछ नहीं बचा। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे सुंदर तीर्थ है हरिद्वार, किसी का प्यार इस सुंदर खुश होकर के तस्वीर का प्रस्ताव है आप दे रहे हैं। दिनेश कुमार ग्राम जसवंत खेड़ा की तरफ से उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है हमारे पास। दर्शक धन्यवाद। रोती धोती चल दिया, रोती धोती चल दिया, ब्रज विपल की ओर छा रही थी उस समय, मैं बाहर आज ने मेरा त्याग कर दिया है।
इस जिंदगी से बेहतर है मैं मर जाऊं से मेरी पति मुझसे चुरा हो गए तो मुझे मेरे चिन्ह से क्या फायदा। मेरी किस्मत में तू नखी शायद मैं तेरा इंतजार करती थी, मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नखी शायद मैं तेरा इंतजार और सोनू दोनों भाई जसवंत वाले हैं उनकी तरफ से 10 रुपए का पोस्ट कार्ड। धन्यवाद। आज सबकी हूँ प्यारी तो शायद किसी को प्यारी प्यारी संग देगी, कल मेरा इंतजार था तुमको आज मैं इंतजार करती हूँ। तू नहीं शायद दोस्तों आप देख रहे हैं गांव की गोरी उर्फ जंगली छैला और बिन पति उसका हो गया था जीना दुश्वार, फांसी का फंदा लिया तुरंत गले में उसी समय पहुंचा वहां, उसी समय पहुंचा वहां सेठ के सरीनाल, मरने से पहले उसे बचा लिया तत्काल। बेटी आखिर अरे बात क्या है नालायक पति दुनिया में कोई हो ही नहीं। बुरा महसूस लगती हूँ भला को बुरा को जैसा भी हो, भला को बुरा को जैसा भी हो मेरा पति कसी देवता को, देवता
स्त्री इसी गांव रहने वाले हैं, महारानी का प्रकोष्ठ ये 103 और सिद्धार्थ को पुरस्कार देते हैं पार्टी की तरफ से। ये आ गए हमारे भैया अनिल कुमार मेला कमेटी जसवंत खेड़ा की तरफ से, इस महारानी के काम पर खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे, धन्यवाद। मेरे पति को कुछ ना त्याग उन्होंने किया है, मैंने भी उनका त्याग किया है। वाह 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 भाई भारत की नारी, अरे जिसका पति अपनी पत्नी को त्याग कर दिया हो, घर से निकाल दिया हो, उस पति की ये बुराई नहीं सुन सकती, उसकी सराहना कर रहे हैं। वाह पहली बार ऐसी नारी हम देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप यहाँ के कौन है? हम सेठ केसरी लाल। आप सेठ जी हैं? सेठ। हेलो, ये आ गए हमारे भैया संतलाल गौतम ग्राम जसवंतपुर की तरफ से, ये 200 रुपए हमारे मेला कमेटी के लिए चंदा दे और 10 रुपए हमारे खिलाड़ी के काम पर खुश होकर दे, धन्यवाद। और ये आ गए हमारे अयोध्या प्रसाद है साहब, ये पेड़ारू रहने वाले हैं, ये उनकी तरफ से महारानी काम पर खुश होकर 10 रुपए पुरस्कार देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद है। अगर आपने हमारी जिंदगी बचाई है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। घर बचाई सेठ जी अब मेरी जिंदगी, घर बचाई सेठ जी अब मेरी जिंदगी, एक रोटी के लिए तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए मेरी बात तो रोटी के वास्ते और पल में जाके नदी, रोटी के यही काम है एक तुम्हारे लिए, कष्ट तुमको यही यही उठाना पड़े। शेर जी आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। क्या कुल्हाड़ी में करा? लेकिन मुझे सिर्फ पेट के लिए भोजन चाहिए बस। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। वो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे दे दो। देखो प्रतिदिन तुम एक बोर जंगल से लकड़ी लाओगी और हमारे यहाँ से 1 किलो ज्वार का आटा पाओगी, उसी में अपना गुजर बसर करते रहना। ठीक
श्री सिंह जी हमें मंजूर है। अब लकड़ी काट के लाएंगे। अच्छा, तभी अर्जन करेंगे। ऐसी बात नहीं मुनीम, पहले जाओ उन्हें कुछ नाश्ता पानी करवा दो, उसके बाद में लकड़ियां लाएंगी, और जब लकड़ियां लेकर आए तो हमारी दुकान से 1 किलो ज्वार का आटा दे देना। अच्छी बात। का खादी आटा ही दिया बस। अरे कुछ साग सब्जी गुड़ गुड़ हमें ना लाए, कितना हम कहता उत्ता करोगे कि हमसे उबर हो जाओ। एक आसो खाट खाई। अरे नमक दे देना, 5 किलो नमक दे दे। आगे 15 कहीं के 5 किलो नमक, 1 किलो आटा के साथ 5 किलो नमक लगेगा। हलचल उठाओ, दिमाग सही करो। क्या सही कर देता? अरे 25 ग्राम दे देना, 25 ग्राम जितना तुम कहे उतने करा। मैं चल रहा हूँ। ठीक, चलिए। अरे मेरी किस्मत है, एक दिन होता लाखों नौकर नौकरानियां मेरी आती, लेकिन आज मेरी एक किस्मत है, मैं खुद दूसरी की नौकरी करती हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम, क्यों मर्यादा को तोड़ दी? नकली सीता की धोखी जो असली सीता तू छोड़ दी दे रहे थे। चलो भाड़ा पर। अच्छा, हम आराम कर रहे हैं। अच्छी बात। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। महाराज सुनिए जरा, आज का ताजा हुआ एक सुंदर लाला।
मंत्री जी क्या बात है महाराज। अरे खुद खबरी सुन कर तेरी हुआ कल सुन कर तेरी हुआ कले जाचा मेरे सब इमदाद को पूर किया है क्यों नहीं मेरी चंपा को एक राजकुमार का जन्म हुआ है। हाँ महाराज और खुशी में हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज लुटा दो। ठीक है महाराज जैसा आप कहेंगे मैं वैसा अवश्य करूंगा। पुरोहित जी को बुलाओ अपने बेटे का नामकरण करवाए। ठीक है महाराज बैठिए इसी वक्त दरबारी पुरोहित जी को बुलाओ क्योंकि बेटे का नामकरण होगा। अच्छा पंडित जी का बुला नहीं है दोस्तों। इधर कहानी पे गौर करना। महलों में राजकुमार का जन्म होता है। अब हमका डर मिला है पंडित दादा बुला नहीं ना वा बिचारक। अरे पंडित के दादा अरे का करत हो। अरे पूजा करी थे रे। अरे पूजा रख दिया वैसी। हाँ और तुम यहाँ चले हो महाराज के महल में काहे खातिर। अब यहाँ सब बताऊबे काहे का यो सब पता चल गई का है तो फिर आ रहे। हाँ जल्दी आओ कौनो जुगाड़ है का। हाँ हाँ तुम यो तो बहुत बड़ा जुगाड़ है तुम्हारी खातिर। अरे हाँ भाई तो आ रहे। हाँ जल्दी आओ। और नाराम नाम नीन हो डूब के मर जाए I'm not.
सिंह महान ये बैठक रहने वाले हैं। ये हमारे पंडित जी के लिए 11 रुपए पुरस्कार हाथों हाथ देते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। क्या कहता मेरा मेरा ना कुछ भी नहीं आए तेरा, क्या कहता मेरा मेरा ना कुछ भी नहीं आए तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मन भटके तेरा, एक दिन होगा भैया ये इसी गांव रहने वाले हैं। ये हमारे पंडित जी के काम पर खुश होकर ये 11 रुपए पुरस्कार हाथों हाथ देते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। क्या कहता मेरा मेरा ना कुछ भी नहीं आए तेरा, एक दिन होगा भैया तेरे मर घट में तेरा, एक दिन होगा भैया तेरे मर घट में तेरा, ये बैठे रहने वाले हैं। ये पंडित जी के लिए हाथों हाथ 10 रुपए पुरस्कार देते हैं। और ये हमारे करिया भाई साहब ये इसी गांव रहने वाले हैं। ये हमारे पंडित जी के काम पर खुश होकर ये 10 रुपए पुरस्कार देते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाए अनुमति है, या भक्ति से भैया मिल जाए अनुमति है। और आगे हमारे ऋषि सिंह उप हमारे कल्लू सिंह महान की तरफ से ये बैठे रहने वाले हैं। ये उनकी तरफ से 11 का पुरस्कार है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। है भक्ति में शक्ति है, भक्ति से मिल जाए गुणवत्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाए गुणवत्ति है, सारा जीवन छोड़ो और आगे हमारे विकास साहू ये बैठी बाजार की तरफ से ये हमारे पंडित जी के काम पर खुश होकर 21 रुपए का पुरस्कार हाथों हाथ देते हैं, पार्टी की तरफ धन्यवाद है। सारा जीवन छोड़ो कन्हैया काली में, सारा जीवन छोड़ो कन्हैया काली में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर काली में, ये जसवंत खेरा रहने वाले हैं। ये हमारे राम जी के काम पर खुश होकर पंडित जी के रोज में 11 रुपए पुरस्कार देते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। पंडित दादा सलाम। का कहे पंडित दादा सलाम? अरे पंडितन से कहूं सलाम कीन जात है तो पिता कीन जात है दादा। कहा करो कि पंडित दादा पांच हूं, यानी पंडित दादा। हाँ पंडितन से सलाम नहीं किन जात है तो कहा किन जात है? कहा करो कि पंडित दादा पांच हूं। खुश रहो। अरे तुम हमें का आशीर्वाद दे, अरे तुम हमारे पांच हो तो हम तुमका आशीर्वाद दे रहे, यानी हम तुम्हारा पांच। हाँ पंडित दादा पांच।
खुशी रहा। हम कर रहे हैं आशीर्वाद दे, पंडित दादा आए आए। तो तुम पूजा कर रहे हो? हाँ पूजा धरी आए हुई हो? हाँ पूजा धरी आए। अरे पूजा छोड़ दी ना भाई, क्या करी तो घर आए? हाँ चल दी ना। हाँ घर आवा तो रहा है। तो ये बताओ तो काहे खातिर बुलाए है? बात दादा जहाँ हाँ हमारे गाँव में पांच छह ठेक दिया पियानी, पिल्ला एको नहीं बचे। एक ढाई पिल्ला बचा यहाँ मर जाये। तो पंडित दादा जब पांच छह पिलिया बियानी पिल्ला सब मर गए तो गांव वाले सलाह बनाए नहीं गई। अच्छा कि भाई चलो काली मैया का हमन अमन कीन जाए। हाँ हाँ फिर शायद कहू सरे आवई तो सरे हाँ अरे सिरे वहा वहाय वहाय सिरे सरे बोले तो भाई हवन अमन की ना हम हूँ 11 रुपया देना। अच्छा तो ये ठाई छोट भरे बिटेवा गए सरे को आई भाई फिर सरे कहो अरे सिरे हाँ सिरे आई खेले कूदे कबूली कहे। हाँ एक रास्ता है जो तुम्हारे गांव पिल्ला बस सकत है। हाँ हाँ तो हम मुझे कहें बताओ पा का बात है का तो कहें तो दो पंडित का बल दे दियो जहाँ सब बच्चे हैं। अरे यहाँ अरे ठीक कथा बाजी आई कथा लौट के पहले तो मैं बल दे नहीं है तो आओ 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 ना बताई। अरे सुनो एक ठीक कथा बाजी आई तो फिर बल चढ़ायो। सुना बताई। हाँ चलो पहले तो मैं बल दे दई फिर जाओ कथा बाजी आयो। अरे जब हम हुआ बलिन चढ़ा दे हो तो कार लौट के ऊपर तो सब बात छोड़ो। अच्छा बात यह है महाराज के लड़का पैदा भवा पहले यह बताओ कह पाया का कहे बल चढ़ावत पैदा कहा बात छोड़ो मान लो मजाक है तुमसे करा रहा है। अच्छा यह मजाक है भाई हम कभी सही आ नहीं दादा। बात यह है महाराज के लड़का पैदा भवा महाराज के हाँ अरे राम राम अरे महाराज के कहूँ लड़का हो अजय राम क्या तो उन बात बता दी सके। हाँ अजय पंडित दादा अतना ब्याह करावर अतना कथा पढ़ लड़का महारानी के भवा है। हाँ हाँ लेकिन ना तो महाराजे को हुई। अरे हाँ ठीक है आओ चली। हाँ चलो आओ पंडित दादा बैठाओ। अरे का बैठी अपने अपने ऊंचासन पर थोड़े बैठे हमेशा तखा तो चटाए जो बैठे वाले पंडित आए। अरे अपने ऊंचासन पर कहा बैठे थे? अरे आज बैठो महाराज के यहाँ हो तुम बैठाओ तुम्हारे खाते मंगावा 3 लाख का यहाँ। अच्छा लेकिन यहाँ समझे कि जमने आसन पर पंडित बैठा था वही का पूजा लिया तो तुम्हारी खाती मंगावा का हमारी खाओ का जैसा भैया जैसा खा रही पर कुकुर नहीं बैठा था। अजय पंडित दादा कबो बैठे नहीं का अपने साथ लैटरिन में टट्टी फिर रहे हैं। उसका बताइए नीचे गौर करो नीचे गौर करो हाँ इसे वहां नीचे करो। हम नीचे तो बैठे जाते रहे कहे ना तो कि हमेशा सखा तो चट
काय को बैठे वाले पंडित हम क्या लागत वो ठोक पूरा नहीं पाओ रखा है पाप उपा पाव रखा है तो आराम से रखा जाता है। अरे तू डरेगा तो फूट फूट नहीं जाता हाय 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 यह बताओ जब लड़कवा पैदा भव रहा है तो कितना समय रहा है हम वहाँ दिया रखते रहे अजय जब लड़का पैदा भा तो हम अपने साहब हम रहन का पूछे परी अरे पूछे खा जब तक तुम टाइम न बताई हो आए समय न बताई हो तो हम का विचार पंडित दादा पूछे लड़कवा कितने ब्याह भवा रहे बोल दो ठीक 12 बजे दिन में साले 12 समझो तुम साले 12 साढ़े 12 यह नहीं कहा 12.5 कहा 12.5 हाँ वह है अरे 12.5 का हाँ 12.5 और 12 के बीच में मान के चलो तुम अच्छा हाँ सो आगे या पाछे सुनो हाँ पंडित दादा कुछ खा था का ओ दादा काया खा कहो अरे खाए तो नहीं रे न छतरन का मिला ना तू तो माम अपने साथ कुछ खा कहे हाँ सुनो हाँ। चाची चूचे चूला रुके रहो रुके रहो सब तो ठीक ठाक चूची चूला का आया है अरे गदहा होगा कहे अरे ये सब नक्षत्र ही और ये कहा थे ओ भैया नक्षत्र ही हाँ अच्छा अरे साजन सूरज सोचना ही हम सोचना ही दादा हम जाते हैं हम आहिन हरजन हाँ हम आ मेहरवा हरजैन तबो पता के हाल नहीं ना तुम बताओ अच्छा चाची चूचे चोला लूले लाले भर एक बरतुला कन्या रुके रहा रुके रहो लूले लंगड़ा पहले तेरे दिया अरे ये संस्कृत ना तुम तो पता है हम तो नहीं पता है पढ़ो पढ़ो चाची चूचे चोला लू लाले भड़ी मेघ बरतुला कन्या अश्वनी नक्षत्र के ये लसुनी का आया है जो काया ये टीटी टीटी का है नहीं जब तुम लसुनी कहो तो हमारा आवाज दूसरे निकली आवाज अरे लसुनी कही थी अब क्या कहो अरे अश्वनी कही था अश्वनी अश्वनी 27 नक्षत्र में ये भी एक नक्षत्र है हम कही लसुनी अश्वनी अच्छा पढ़ो पढ़ो और हम अश्वनी कही तो ये लसुनी कहा बताओ बताओ चाची चूचे चोला लूले लाले भरनी मेघ बरतुला कन्या अश्वनी नक्षत्र के तीसरे चरण का जन्म है लड़के का नाम लल्लन सिंह जो नाम है कर बहरे हो जाओगे खुशी हो जाए खुशी हो जाए नाम बताए है क्या नाम बताया
लड़के का नाम लल्लन सिंह। वाह वाह पंडित जी, वाह पंडित दादा वाह, कितना अच्छा नाम। जय जय। मेरा नाम राजा राम नरेश सिंह, वैसे मेरे बेटे का नाम ललन सिंह। दक्षिणा छिना मिले चाहिए हम चली। रुपया नहीं महाराज, हम क्या बता रहे हो रुपया दे। जाओ अरे जान तो कतनी हर्जा हो। पंडित जी को इतना धन दे दो कि जिंदगी भर इनका पेट चलता रहे। ऐसा न हुए जमाल को आटा दे दी। वहाँ तुम चाहते हो पेट चलक रही कि वो तुम्हें टट्टी आ गए हो। चाहे काम करो चाहे ना करो, कथा पढ़ो चाहे ना पढ़ो, और बैठे बैठे तुम्हारा पेट चला करी न रही हो। हाँ हाँ और सुनो, और जो चाहे लगे बता दी हो, हम बार बार दौड़ा।